अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम खान और आप देख रहे हैं A1 मोबाइल ऐप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं बहुत ही बेहतरीन और अहम वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह हम किसी भी मोबाइल सिम की तमाम तर मालूमात अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मोबाइल नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसका शिनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है और उसके शिनाख्ती कार्ड नंबर पर रजिस्टर्ड तमाम तर सिम्स की तादाद और उनके नंबर्स को हम चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल A1 मोबाइल ऐप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली तमाम तर नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से ये वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, सिम ओनरशिप चेकर। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी ऐप को ओपन कर लिया है और इसमें लिखा है कि इफ़ वन सर्वर डिड नॉट वर्क ट्राई एन अदर सर्वर, अगर एक ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो दूसरे ऑप्शन से कोशिश करें। इसमें सर्वर 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी नंबर को चेक कर रहे हैं सर्वर 1 के अंदर और वो आपको डिटेल मुहैया नहीं कर रहा तो आपको उसको सर्वर 2 में चेक करें, अगर सर्वर 2 में भी काम नहीं कर रहा तो 3 में, इस तरह 4 में चेक करें। तो हम सर्वर 1 को ओपन करते हैं। जी यहाँ पे लिखा है इंटर नंबर विदाउट 0। यहाँ पे आपने किसी भी सिम का नंबर जिसकी आपने मालूमात चेक करनी हो उस नंबर को आपने इंटर करना है मगर 0 के बगैर। एक मरतबा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे 0 इंटर नहीं करना, या आपने यहाँ पे उस बंदे का शिनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। किसी भी शिनाख्ती कार्ड नंबर को आप इंटर करके उस पर मौजूद तमाम तर सिम्स की तादाद को चेक कर सकते हैं और उनके नंबर्स भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आप इस ब्लॉक में अपना नंबर एंटर कर रहा हूँ, 0 के बगैर एंटर करना है, 3338586861। अब मैं इसको सर्च करके चेक कर रहा हूँ कि ये सिम ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो फ्रेंड्स देखें अब ये मेरा नंबर सामने है और उसके नीचे डेट लगी हुई है कि ये नंबर ये नंबर किस डेट को रजिस्टर्ड हुआ था। नाम है फहीम फैज़, एड्रेस है हजाना स्टेट डीजी खान पंजाब, शिनाख्ती कार्ड नंबर है जो आपको नीचे नज़र आ रहा है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे शिनाख्ती कार्ड नंबर पे और कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं, तो मैं यहाँ से इस नंबर को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने इसको कॉपी करके फिर ऊपर वाला ब्लॉक जिसमें हमने नंबर एंटर किया था उसी में इसको जाके पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सर्च कर रहा हूँ कि मेरे शिनाख्ती कार्ड नंबर पे मज़ीद कौन कौन से नंबर एक्टिव हैं। तो मैंने सर्च किया लेकिन मेरा वही नंबर शो हो रहा है क्योंकि मेरे नाम पे कोई भी दूसरी सिम रजिस्टर्ड नहीं है। अगर मेरे नाम पे कोई और सिम रजिस्टर्ड होती तो यहाँ शो हो जाती। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर कर रहा हूँ, ये मैंने इंटर किया है 6452745। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो फ्रेंड्स ये मुख्तार अहमद के नाम पे रजिस्टर्ड है, चाह बहिश्ती वाला सिटी पोल वाला जामपुर। तो इसका शिनाख्ती कार्ड नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि इसके नाम पर मज़ीद कौन सी सिम्स रजिस्टर्ड हैं। इसको सर्च किया मैंने, जी देखें अब इसके शिनाख्ती कार्ड नंबर पे एक और नंबर रजिस्टर्ड है 0308758052, ठीक है, और इसका जो नंबर मैंने
पहले चेक किया है, नीचे वही नंबर आ रहा है। इसके शिनाख्ती कार्ड नंबर पर दो सिमें रजिस्टर्ड हैं जिसकी तादाद, मालूमात, शिनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस सब कुछ आपके सामने है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।